गाइस, वेलकम बैक। एंड पूजा इज़ अ लिटिल बिट एंग्री टुडे बिकॉज मेरे वजह से थोड़ा लेट हो गया। वो जल्दी उठी थी और मुझे उसने उठाया, बट ब्रेकफास्ट जाने में थोड़ी लेट देरी हो गई और फिर 20:20 हो गया, तो शी इज़ अ बिट एंग्री। लेट मी शो यू हर फेस। I'm sorry. And happy Women's Day to all the ladies. एक तो मैंने सागर की वजह से मैं 8:45 को उठी हूँ कब से, ताकि तेरे को उठाए और तू आराम से ये करे, तेरे को फटाफट इसके लिए नहीं, तू छोड़ तो इसके लिए तो औरतें महान होती है। अभी 10:30 हो गया, कुछ नहीं मिलेगा, ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। अच्छा, रश भी होती है? नहीं, आज वीकडे है ना, खुद का assumption लगा मत। वीकडे में भीड़ थोड़ी कम होगी, कल संडे था तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम चले नीचे ब्रेकफास्ट करने, देखते हैं क्या मिलता है, होपफुली सब कुछ मिले, वरना वुमेंस डे के दिन मेरी हालत खराब होने वाली है। और पूजा एज यूजुअल ब्यूटीफुल लग रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? कैसे आप लोग? सब ठीक? सब लोग ठीक है। ओके, सो आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली गोल्डन टेम्पल, जिसके लिए हम आए थे अमृतसर। तो मैं तो गोल्डन टेम्पल ऑलरेडी 2 साल पहले मैं गई थी, मैं नहीं गया हूं। सागर फर्स्ट टाइम जाने वाला है, आज मुझे तो मौका मिला फाइनली। हाँ, अभी टाइम हुआ है 3:45 और हमने मतलब सुबह हम लोग इसीलिए नहीं गए थे बिकॉज सागर को दिन में भी गोल्डन टेम्पल देखना था और रात में, बिकॉज दोनों टाइम पे बहुत खूबसूरत है। तो मैंने बोला इसको कि अभी जाएंगे तो फिर हम दर्शन हो गए जल्दी अगर, तो फिर वापस मार्केट वगैरह कुछ शॉपिंग करना है तो कर लेंगे, फिर रात में चले वापस। लाइट्स जब चालू होगी तब भी मुझे 6-7 बजे तक ऑन हो जाती है लाइट, तो देखेंगे ना। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे वो प्रसाद जो है वहाँ का प्रसाद, माय गॉड, बहुत टेस्टी होता है यार, बहुत टेस्टी होता है, बस वो खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तो आज का वही प्लान है, चलिए आपके आपको भी लेके चलते हैं। ऑब्वियसली अंदर थोड़ा शूटिंग करना तो नहीं है, बट बाहर का आपको दिखाई देंगे। चलिए, आज हम लोग ने ट्रेडिशनल वेयर पहना है थोड़ा, ये जो सागर का जो कुर्ता है, कुर्ती है, कुर्ती क्या, कुर्ता बोलते हैं, लड़कियों की कुर्ती होती है, लड़का को कुर्ता जो भी है, हाफ कुर्ता है, ये मेरी पसंद की है, मैंने सागर को। तो अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप कमेंट्स में पूजा को बोल सकते हैं, और आपको मैं अपनी कॉस्ट्यूम दिखाती हूँ। और मेरी, तेरी भी दिखाना, दिखा किधर, कलर इतना अच्छा लग रहा है, तू मेरी भी दिखा ना, दोनों दिखाओ। ठीक है, पहले चलो मेरा दिखाते कॉस्ट्यूम। तो गाइस, ये है मेरी आउटफिट, ये कुर्ती मेरी मुंबई में ली थी मैंने, ऑनलाइन खरीदा था, शायद फ्लिपकार्ट से ली थी मैंने, और जीन्स पहना है मैंने उसके नीचे, एंड वही वॉच गले में मंगलसूत्र है, एंड ये वाली जो इयररिंग है ये मैंने खरीदी थी अमृतसर से लास्ट जब मैं आई थी ना, तभी 2 साल पहले, तभी मैंने यही से ली थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे एक से एक इयररिंग्स मिलती है आपको, सेट ये सब मस्त मिलता है। तो यही है मेरा आउटफिट आज का, मैं अभी इसमें दुपट्टा लेने वाली हूँ, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, बट वहाँ पे गुरुद्वारा के जाने के टाइम आपको सर ढकना पड़ता है, तो इसके लिए मैं दुपट्टा लूंगी। चलिए, अभी सागर कब से वेट कर रहा हूँ, उसकी भी आउटफिट दिखाई देती हूँ। चलिए, तो गाइस ये है हीरो सागर, ने क्या पहना है आज बताइए। ये है कुर्ता, कुर्ती नहीं, कुर्ता बोलते हैं, हाफ कुर्ता, पूजा ने सिलेक्ट किया है, इसको मैंने हाफ थोड़े फोल्ड किए। और ये है मेरी पैंट जींस, जो कि मेरा यूनिफॉर्म है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं यही पहनता हूँ हमेशा जींस, क्योंकि ये थोड़ी मोटी भी है और बहुत कंफर्टेबल है। तो दैट्स इट, और कुछ नहीं है, लड़के में तो कुछ नहीं होता और आदमियों को तो कुछ नहीं है, एक ही है बस, यही है। और ये कुर्ता मैंने बचा के रखा था पूरे टूर में सिर्फ गोल्डन टेम्पल के लिए। चलिए,
तो गाइस हम लोग आ गए हैं गोल्डन टेम्पल के रास्ते पे, और सागर को हम आते आते ना एक अंकल जी ने अंकल ने सीधा पहनाने लगे, और सागर भी देखा था मुंडी दे रहा था, नहीं वो इतने प्यार से पहना रहे थे, मैंने बोला पहना दीजिए, तो उन्होंने पहना दिया मुझे ये। वैसे भी अंदर जाके तो पहनना ही था मुझे। 20 रुपीस उन्होंने लिया, मतलब उन्होंने बोला कि जो देना ट्वेंटी दे दिया, और अभी मेरे पास तो दुपट्टा है, तो चलिए चलते हैं अंदर। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी एटीएम में बराबर दिख रहा है, इधर हो गया थोड़ा सा बीच में कर ऐसा ना, बस ऐसा ना, बस बस ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। किस तरफ है, उधर है क्या? तो गाइस यहाँ पर ये जो है सेवाघर है, जहाँ पे हम अपने जूते निकाल सकते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, आने के बाद यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा पूरा व्यू, चल तो गाइस हम फिर से आ गए हैं गोल्डन टेम्पल में, और अभी टाइम हुआ है 7:30 के करीब रात का, अभी रात हो गई है, तो सारे को देखना है कि कैसे दिखता है रात में, तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर, हम वहाँ से आए थे। हाथ ना Thank you.
तो गाइस अभी हम फिर से जाके दर्शन करके प्रसाद फिर से खा के हम निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ। हमने लिया है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑटो रिक्शा और रास्ते बहुत खराब है। फिर से हॉल्ट ली है ज्ञान की लस्सी में, सागर को बहुत अच्छी लगती है, कल भी उसने पी थी आज फिर से पी रहा है वो। यहाँ पे मिठाई की भी लस्सी मिलती है, पेड़े की लस्सी ऐसे कुछ बोलता है इसको, अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलता है। 25 रुपीज़ की हाफ ग्लास है, सागर पी रहा है, उसको मलाई ज़्यादा पसंद है। ये देखो बुक्कड़ को लस्सी पार्टी सागर का कैसा लगा? मजा आया, तू इसने भी पिया थोड़ा अच्छा लगा ना? थोड़ा पिया मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है लस्सी शुगर के जूस ज्यादा। सागर वाज वेरी डाउटफुल कि मिलेगा कि नहीं रास्ते में, एंड टेलिंग हिम आल्सो कि रुकाओ कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं बोल। फाइनली मिल गया रास्ते में, रुका के पी ली लस्सी, अब जा रहे होटल।